हेलो फ्रेंड्स, तो 28 को है हमारा लूनर इक्लिप्स, जो कि 28 की रात से शुरू होकर 29 की सुबह तक चलेगा। और हाँ, इसे इंडिया में देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सन और मून के मिड में आ जाता है। ऐसा तभी होता है जब पूर्णिमा हो, लेकिन हर फुल मून को चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स नहीं होता। ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड। अट्ठाईस को जो लूनर इक्लिप्स है, ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स है। लूनर इक्लिप्स सिंपली तीन टाइप के होते हैं। पार्शियल लूनर इक्लिप्स जो कि अभी है, टोटल लूनर इक्लिप्स जो कि इंडिया में सितंबर 2025 को होगा, और तीसरा पेनोमरल लूनर इक्लिप्स है। इसे ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा टफ होता है। तो ये कब होते हैं और किस किन कंडीशंस में होते हैं? जनरली जो अर्थ की शैडो है उस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का इक्लिप्स हमारा अकर करेगा, कि अर्थ की कौन सी शैडो में हमारा मून लाएगा। सिंपल में जो अर्थ की शैडो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अम्ब्रा और दूसरी होती है पेनम्ब्रा। जब मून पेनम्ब्रल साइड में पड़ता है तो ये जो इक्लिप्स है वो पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स हो जाता है, और जब पार्शियली अम्ब्रा में पड़ता है यानी हाफ उसका पार्ट जो है अम्ब्रा में होगा, तो वो हो जाता है हमारा पार्शियल लूनर इक्लिप्स जो कि इस बार है, जो कि हमें दिखेगा 28 को। और जब कम्प्लीटली अम्ब्रा के इनसाइड होता है तो वो हो जाता है टोटल लूनर इक्लिप्स। ये जो लूनर इक्लिप्स है जो 28 को है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.12। इसमें 6% जो है मून का जो एरिया है वो कवर होगा अर्थ की शैडो से। ये बहुत ही छोटा है, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है तो कैप्चर करना बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसे हम कैसे देख सकते हैं और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कैप्चर किया जा सकता है और क्या गियर चाहिए हमें इसे कैप्चर करने के लिए। सिंपल में इसे हमें देखने के लिए किसी गियर, टेलीस्कोप या बाइनोकुलर की जरूरत नहीं है। अगर हो तो अच्छा, नहीं हो तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। अगर इसे हमें कैप्चर करना है तो हमें चाहिए एक DSLR और कम से कम 250 mm की फोकल लेंथ और एक ट्राइपॉड, और हाँ साथ में, क्योंकि ये रात को है तो चाय, जैकेट और स्नैक अगर आपके पास हो तो और बढ़िया। अगर इसे कैप्चर करना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसकी शटर स्पीड है वो 1 सेकंड से कम होनी चाहिए। इतनी फोकल लेंथ पे 1 सेकंड से ज़्यादा होने पर ट्रेलिंग आ जाएगी और मून शार्प नहीं आएगा। बाकी एपरेचर और ISO को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। लूनर इक्लिप्स स्टार्ट होने से पहले मून की कुछ फोटोज आप कैप्चर कर लीजिए, जिससे कि आपका एक्सपोजर एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा सेट कीजिए कि मून की कुछ डिटेल भी फोटो में हमारी आए। मून को हमेशा सेंटर में फ्रेम कीजिए जिससे कि अच्छी फोटो आ सके। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स का जो पार्ट है वो 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा 28 की रात। पार्शियल जो इक्लिप्स है वो 1 बजे स्टार्ट होगा और मैक्सिमम होगा 1:44 में, और 2:22 के आसपास हम उसे एग्जिट कर जाएंगे, और 3:54 पर हमारा जो टोटल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये पेनम्ब्रल पार्ट से भी एग्जिट हो जाएगा। टोटल जो ये टाइम स्पेन है ये 4 आवर का है, और जो पार्शियल लूनर इक्लिप्स का है वो 2 आवर का है। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स को कैप्चर करना, उसे ऑब्जर्व करना थोड़ा टफ होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका जो पार्शियल पार्ट है उसी को कैप्चर करें। अब ये जो है ये 2 घंटे का है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि 5 से 10 मिनट के इंटरवल में फोटोज लेकर के उनका एक कंपोजिट हम कोलाज बना सकते हैं, या फिर हम उसका टाइम लैप्स बना सकते हैं, या फिर उसे एक लैंडस्केप के साथ कैप्चर करके उसका एक कंपोजिट इमेज हम तैयार कर सकते हैं। और जो स्पैन है इसका 2 आवर है पार्शियल लूनर इक्लिप्स का, तो इसी बीच में जो मून है मूव भी करेगा, तो हमें रेडी रहना चाहिए कि हम ट्राइपॉड को मूव करें, कैमरा को मूव करें और मून के अकॉर्डिंग से मूव करके कैप्चर करते रहें। तो कुछ ऐसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं 28 को होने वाले लूनर इक्लिप्स को। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, वो था ये कि हर फुल मून को लूनर इक्लिप्स क्यों नहीं होता। एक्चुअल में होता ये है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो मून का जो रोटेशन प्लेन है वो अर्थ के रोटेशन प्लेन पर टिल्टेड है। तो हर पूर्णिमा को यानी हर फुल मून को अर्थ, मून और सन एक लाइन में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें हर फुल मून को लूनर इक्लिप्स नहीं दिखता है। इसी टिल्ट की वजह से हमें डिफरेंट टाइप के लूनर इक्लिप्स भी दिखते हैं, तो ये कारण है जिसकी वजह से हर फुल मून को लूनर इक्लिप्स नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर साइंस वीडियोज कमिंग सून। एंजॉय द व्यू।